जी हाँ नमस्कार, मैं हूँ पंकज पटेल ब्राइट फॉर सॉल्यूशन से। अभी आपको आज बता रहा हूँ कि विंडोज़ 10 से 11 या तो आपको 7, 8, 8.1 या तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको विंडोज़ 11 में कैसे जाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये विंडोज़ की ओर से ये नया अपडेट आ गया है कि उसने लॉन्च कर दिया है कि विंडोज़ कोई भी आपका लाइसेंस विंडो है वहाँ से आप माइग्रेट करके विंडोज़ 11 में जा सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, उसमें इंटरफेस कैसा रहेगा क्या है वो मैं आपको सब बता देता हूँ। और उसको आपको डायरेक्टली कोई भी नया सिस्टम में भी विंडोज़ 11 कैसे डाउनलोड करना है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको देखो यह मैं ऑफिशियल उसका माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पर विंडोज़ 11 वो सब सारे आप भी खुद विंडोज़ 11 माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। तो उसका इंटरफेस देखो, यहाँ ये जो आपको उसका इंटरफेस कैसे दिखेगा ये सब सारा यहाँ पे आपको बताया हुआ है। और वैसे तो ये यहाँ पे जो शॉर्टकट उसने दिए दिया है तो वो वन टाइप ऑफ मैकबुक की जैसे वो दिखेगा आपको कि मैकबुक में कैसे उसका शॉर्टकट दिख रहे हैं और उसका आइकन कैसे वो दिख रहे हैं वो सब मैकबुक की जैसे आपको यहाँ पे विंडोज़ 11 में शो होगा। और उसकी इंटरफेस कनेक्टिविटी या तो जो भी है वो सब उसने जो विंडोज़ 10 में जो भी क्वेरी थी वो यहाँ पे सॉल्व कर दी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे मैंने ये विंडोज़ 11 में कैसे आप इंस्टॉल करेंगे उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो बूटेबल पेन ड्राइव आपको जो बनाने के लिए आ रही है तो बूटेबल पेन ड्राइव बना लीजिए और डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। और डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकते हो तो उसमें आपको सेटअप में जाके सेटअप करके अपग्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अपग्रेड भी कर सकते हो, यही आपको सेटअप रहेगा जो उसके साथ आप अपग्रेड भी कर सकते हो और नया सेटअप भी कर सकते हो। उसका ये इंटरफेस रहेगा और जो भी उसका लेटेस्ट वर्जन रहेगा वो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्टली जाके ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आप उसको पेन ड्राइव से बूटेबल बना के उसको यूज़ कर सकते हो। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि बूटेबल पेन ड्राइव भी कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वो भी आप सीख लीजिए तो आपको आगे जाके और भी काम में आ सकता है कि विंडोज़ 10 तो बूटेबल का तो हमने बताया था और विंडोज़ 11 भी हम आपको बताएंगे कि कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ये जो हमारा डेस्कटॉप पे हमने पहले से जो डाउनलोड करके रखा था और उसके बाद ये हमने यहाँ पे ये डाउनलोड लिंक से यहाँ पे हमने ये डाउनलोड किया है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये यहाँ पे हमने डाउनलोड करके रखा है। तो उसके बाद हम वहाँ पे जाके डायरेक्टली उसको सेटअप भी करके आपको बता रहा है कि कैसे उसको सेटअप करना है, ठीक है। तो आपको ये सब सारी बातें वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। तो ये डाउनलोड कहाँ पे हो रहा है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये हो रहा है डाउनलोड में, ओके। हाँ ये रहा, तो यहाँ पे हम आपको अनमाउंट करना है तो अनमाउंट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे ये सेटअप आएगा। सेटअप के डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यस करना है, जैसे ही आप यस करेंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोसेस उसका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप ये ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर सकते हो। उसके बाद आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो आप फॉलो कीजिए और उसमें कुछ नहीं है, नेक्स्ट ओके ही करना है। और जैसे ही नेक्स्ट ओके करते जाएंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। तो बस यही जो आपको डाउनलोड करने का जो तरीका है वो भी मैं मेरे ये आगे का कोई भी वीडियो आप देख लो तो उसमें डाउनलोड मैनेजर डाल के आप ये साइज़ उसकी ज़्यादा है तो आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपका इंटरनेट कभी भी मान लो तो पुअर भी है तो वो आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी और आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप विंडोज़ 11 का सेटअप डाउनलोड कर लो और सेटअप डाउनलोड करने के बाद आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो इंटरफेस आ गया है, इंस्टॉल विंडोज़ 11, ठीक है। आई वॉन्ट टू बेटर और नेक्स्ट।
यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट आएगा और अपडेट होने के लिए वो रेडी हो जाएगा और आगे यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ठीक है, सब जगह पे आपको नेक्स्ट ओके ही करना है और इंटरनेट स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए तभी ही ये आपको अपडेट करके देगा। आपको इंटरनेट से अपडेट नहीं करना है तो आपको करना क्या है कि बूटेबल पेन ड्राइव बना देनी है ये सोर्स से, और विंडोज़ 11 और ऑफिस 2021 भी उसमें उसके साथ है, तो समझ लो कि ये अभी यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये हमने पेन ड्राइव से बूटेबल किया ही नहीं है, तो ये सोर्स आपको पेन ड्राइव में डाल के ही करना है। ठीक है, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली अपडेट करना है तो आप उसकी प्रॉपर्टी में जाके विंडोज़ जो आपका लाइसेंस है तो आप वो अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब सारी बातें समझ में आई होगी कि उसको कैसे अपडेट करते हैं और क्या है। मैं और भी एक वीडियो ये पूरा बूटेबल बनाने के साथ पूरा सेटअप भी करने के साथ मैं एक पूरा दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो ये डाउनलोड की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आप उसको यूज़ कीजिए, और कुछ भी आप मेरे को काम में आ रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल, थैंक यू, और जो आपको सही लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।